मैं किसी भी वक्त सपनों की दुनिया में खो जाता हूँ और ऐसा लगता है जैसे वो सपना वेंडिगो का बनाया हुआ एक सपना है। वो मुझे डराने की कोशिश करता है और जब भी मैं वेंडिगो से जुड़ा हुआ कोई सपना देखता हूँ और जाग जाता हूँ तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर बर्फ की तरह जम गया हो। मेरे हाथ पैर कुछ वक्त के लिए काम तक नहीं करते। तो मैंने देखा, मैं अपने बेड पर बैठा हुआ था, मेरे दो रूप थे और मेरे बेड के पास वेंडिगो खड़ा था। मैं हद से ज्यादा डर गया था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे हाथ से जो खून निकल रहा था वो जमीन पर गिरने के बाद मेरे सामने की दीवार की तरफ जा रहा था। वो मेरे कमरे की दीवार थी। मेरा खून उस दीवार में जाकर समा जा रहा था। मैं उस दीवार को ध्यान से देखता रहा और थोड़ी देर बाद मैंने इस बात पर गौर किया कि वो दीवार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा है। कुछ ही पल गुजरे थे और देखते ही देखते उस दीवार में एक अजीब सा रास्ता बन गया और उस रास्ते के अंदर वो दुनिया थी जो हर रोज मैं अपने सपनों में देखता था। मैं उस दीवार के थोड़ा नज़दीक गया और जब मैंने उस दीवार के अंदर ध्यान से देखा तो वहाँ मुझे वेंडिगो भी दिखाई दिया। वो शायद किसी जानवर का मांस खा रहा था, हालांकि उसने मुझे नहीं देखा था। मैं दीवार से धीरे धीरे पीछे हट रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो रास्ता अपने आप बंद होने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं झटके से हटकर और पीछे गया और अपने कमरे में रखे एक टेबल से टकरा गया। जोर की आवाज़ हुई। वेंडिगो को यह आवाज़ सुनाई दे गई। वो जोर से चिल्लाया और दौड़कर मेरे नज़दीक आने लगा। वो मेरे करीब पहुंचने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। मेरी जान में जान आई। मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये सारी चीज़ें, ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगली सुबह मैं अरमान और साहिल से मिलने के लिए निकल गया। जब मैं उनके पास पहुंचा, तो मैंने इन बातों का जिक्र उनसे किया। मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं, हो सकता है तुमने सपना देखा हो जिसे तुम सच समझ बैठे, ये मुमकिन नहीं है। उस दिन मैंने उनसे और कुछ भी नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपचाप वापस आ गया। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये लौट कर फिर से आएगा। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा काम जो तुम्हें मेरे लिए करना है वो है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे बारे में या फिर चैनल के बारे में ज़्यादा जानने के लिए तुम मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।